पॉइंट की जानकारी हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो गाइस, मैं हूं सोनू भाटिया, आपका दोस्त। सबको राम राम। आप लोग बढ़िया होंगे, मेरा निवेदन है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। ये सभी अवगढ़ तांत्रिक लोग जो आप लोगों के बीच में तंत्र मंत्र का ज्ञान YouTube के जरिए आपको बताते हैं, वो सब लाते कहाँ से हैं शायद आपको पता नहीं, यही मैं बताने वाला हूँ। आज से 1995 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जो फॉरेस्ट विभाग में काम करते हैं, उनका नाम है KL निषाद। ये लेखक हैं, बहुत बढ़िया पुस्तक लिखते हैं। इनके कई सारे तंत्र मंत्र से रिलेटेड किताब आए हैं और उन्हीं को देख करके लोग आपको बताते हैं नए नए मंत्र और तंत्र की ज्ञान व्याख्या बताते हैं और आपको बताया जाता है कि कैसे आपको उसको सिद्धि प्राप्त करना है। फर्स्ट नंबर में है शावर मंत्र, दूसरा में है रावण संहिता और तीसरा है वनस्पति तंत्र मंत्र यंत्र। ऐसे कई बुक्स हैं जिसकी व्याख्या मैं आपको क्या बताऊं। मैं चलिए KL निषाद जी के साथ वीडियो कुछ देख लेते हैं उनका, जो हमारे बीच वो प्रस्तुत किए हैं। चलिए शुरू करते हैं उनका वीडियो। आप सबको कुछ अपना परिचय कराना उचित समझा। मैं KL निषाद छत्तीसगढ़ राज्य के अति दुर्गम और बिहार अंचल का रहने वाला हूँ। हमारे बस्तर क्षेत्र पूर्णतः अपार वन संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर दुर्लभ तथा सुलभ वनस्पतियाँ पेड़ पौधे उपलब्ध है। यहाँ पर समस्त प्रजाति के जड़ी बूटी आदि पाए जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद प्लास गरुड़, उल्टी बेल, चितावर, काली हल्दी। काली हल्दी भी क्या आजकल, वो जो काली हल्दी नहीं, वो जो श्यामा हल्दी को ही काली हल्दी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काली हल्दी काली होता है, वो अलग किस्म का है, वो दुर्लभ होता है, वो स्फोटक होता है। हथा जोड़ी के पौधे भी यहाँ प्राप्त होते हैं आदि आदि। इन्हीं सब वनस्पतियों का गहन अध्ययन एवं शोध कार्य करके वनस्पतियों का औसत प्रयोग तथा तंत्र प्रयोग आदि प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी स्तर पर हमने वृक्षों पर लगे परजीवी पौधा बांधा, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा मरांग कहा जाता है। इन पुस्तकों में सचित्र गुणधर्म तथा तंत्र प्रयोग भी अनुभूत करके लिखा गया है। पुस्तकें समाज तथा परिवार का कल्याणकारी हो सकता है। ये पुस्तकें अंधविश्वास से अलग हटकर लिखा गया है। पुस्तक का नाम इस प्रकार है, मेरे द्वारा रचित पुस्तकें। पहला है तांत्रिक तरंग, मूल्य 300 रुपया। ये पुस्तक छपा है रणधीर प्रकाशन हरिद्वार में। दूसरा अथर्वेदी वनस्पतियों की गुप्त शक्तियाँ, उनके अद्भुत प्रयोग। ये सचित्र है, इनमें 100 से करीब चित्रों का, दुर्लभ वनस्पतियों का चित्र जिसे तंत्र प्रयोग में उपयोग में लाया गया है। अनुभूत प्रयोग है जिसमें बाधा तंत्र सभी अनुभूत है। इसकी कीमत है 600 रुपये। ये पुस्तक छपा है रणधीर प्रकाशन हरिद्वार में। तीसरा है चमत्कारी वनस्पतियाँ, मूल्य 795 रुपये। ये है अरुण पब्लिशिंग ऑफ चंडीगढ़ में। चौथा है ग्रामीण टोने टोटके, इसकी कीमत 42 रुपया है। पांचवा है पारे का रहस्य संसार, इसकी है 170 रुपये। ये भी अरुण पब्लिशिंग ऑफ चंडीगढ़ में छपा है। छठवां है प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक वनौषधि, मानक और मानव धर्म, मूल्य 450 रुपये। एक पुस्तक छपा है साइंटिफिक पब्लिकेशन जोधपुर। तो पुस्तकें हैं जो हमने लिखा है। बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्र से निकलो हुआ पुस्तकें देखे आपकी इच्छा। देख रहे हैं रुद्राक्ष के पौधा, ये पेड़ रुद्राक्ष हिमालय, इंडोनेशिया एवं हरिद्वार में पाए जाते हैं और कहीं कहीं भारतवर्ष में भी इसके पौधे लगाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के
भैरमगढ़ क्षेत्र में ग्राम भैरमगढ़ में रुद्राक्ष के पौधा देख रहे हैं। इस रुद्राक्ष में अभी छोटे छोटे फल लग रहे हैं, फूल भी है, फल भी लग रहे हैं। ये फल है इस पे ये फल आ रहे हैं। इस रुद्राक्ष में एक मुखी से 21 मुखी तक पाए जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ है, वैसे इसके 14 मुखी रुद्राक्ष भी दुर्लभ। वैसे रुद्राक्षों के कीमतों के आधार पर है, कहीं कहीं रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा कीमत बताते हैं। तो हमारी मानना है कि जब एक मुखी रुद्राक्ष कीमती होता है तो इसकी पेड़ ही घर में क्यों नहीं लगा सकते। इस पेड़ को लगा कर भी एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही आप प्रभाव पा सकते हैं, तो पैसा खर्च करना क्यों। इसलिए प्रत्येक मानव समाज को चाहिए कि रुद्राक्ष के पेड़ घर में लगाएं, इससे वास्तु दोष भी समाप्त। केएल निषाद जी का वीडियो शुरुआत है। आप लोगों को केएल निषाद जी का बीते हुए जीवन में वो कैसे कैसे वनस्पति और कैसे कैसे तंत्र के बारे में वो बताए हैं और उनकी व्याख्या में आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और भी बहुत सारे अवगढ़ लोग हैं और ऐसे YouTube पर बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, यांत्रिक लोग हैं, जो इन्हीं के किताबी भाषा को आप लोगों के बीच में लाते हैं। मैं आप लोगों के बीच में उनके पूरे जीवन गाथा को लाऊंगा और केएल निषाद जी के। आपने देख लिया उनका वीडियो कैसा है और उनके बहुत ऐसे मैंने कॉन्टेक्स्ट नंबर जो भी किताब जो नेट पे अभी प्रस्तुत नहीं है जो मैंने लिख करके दिया है और केएल निषाद जी का फ़ोटो भी आप लोगों ने देख लिया। इन्हीं के किताबों से आप लोगों को तंत्र मंत्र आयुर्वेदिक के नुस्खे बताए जाते हैं बहुत ऐसे YouTube चैनलों में। तो आप लोगों से निवेदन है क्यों नहीं हम इन्हीं का किताब ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीद करके अपना खुद ही वो मंत्र तंत्र और आयुर्वेद के बारे में जानकारी खुद ही प्राप्त करें। और हम ऐसे विशेषतर आपको केएल निषाद जी का आयुर्वेदिक के बारे में अक्सर वीडियो मेरे चैनल पे आता रहेगा। तो आपको केएल निषाद जी का जो फुल एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको स्क्रीन में दे दिया, आप उसे देख करके उनसे बात कर सकते हैं, नए नए नुस्खे नए नए मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे पाखंडियों जो YouTube पर हैं तंत्र मंत्र का ज्ञान देते रहते हैं उनको आप चुनौती दे सकते हैं। आप लोग मेरे बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे, मैं आपका वही शुभचिंतक पुराना मित्र हूँ सोनू भाटिया और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमसे कोई भी आयुर्वेदिक तंत्र मंत्र का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बेहिचक फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को कोई बीमारी या कठिन से कठिन समस्या हो वही लोग मेरे को फ़ोन करें, अन्यथा कोई भी फ़ोन ना करे। और जो भी केएल निषाद जी के वीडियो और उनके पुस्तकों को बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे उनका दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा। केएल निषाद जी का उम्र तो आपको पता ही चल गया होगा, कम से कम उनका 70 साल लमसम हो गया है और वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो अपने बीते हुए कल के बारे में हमारे चैनल के जरिए आप लोगों के बीच में रखें और वो बताएं कि वो कैसे वनस्पति के बारे में वो जाने, कौन सा वनस्पति आजकल के युग में पाया जाता है और कैसे उसका लोग लाभ उठाएं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपका सबसे फेवरेट दोस्त सोनू भाटिया गुरुजी, तब तक के लिए राम राम, मैं चलता हूँ। फिर से अगली वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, अभी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा।